मुगलई पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे। डो तैयार करने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक कटोरी मैदा, थोड़ा सा उसमें नमक, एक चम्मच दही, आधा चम्मच इनो, इन सबको मिक्स करके आप हल्के गुनगुने पानी से इसे डो को तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और डो को तैयार कर लेंगे। अब आपका डो बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो बेस के लिए हमने ये डो तैयार कर लिया है, क्योंकि अब गर्मी है तो आप इसे 10-15 मिनट के लिए, मैंने इसे चपाती पोट में रखा है, इस पर हल्का सा ऊपर पानी लगा दें और इसे ढककर 10-15 मिनट के लिए रख दें। गर्मी है तो आप 10-15 मिनट रख सकते हैं, आप सर्दियों में इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दें। इसके बाद हम बनाएंगे इसके लिए स्टफिंग। स्टफिंग के लिए यहाँ पर हमने लिए हैं 2 उबले हुए आलू। मैंने पहले से ही आलू को उबाल कर छील कर रखा है, आप इसे अच्छी तरह से मैश कर लें हाथों से या किसी स्पून से, आप इसको अच्छे से मैश कर लें। आलू मिक्स होने के बाद अच्छे से मैश जब आप कर लेंगे, इसमें डालें थोड़ी सी कटी हरी मिर्च, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ऐड कर सकते हैं, मिर्च भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालें, सूखा धनिया, चना मसाला और गरम मसाला, इन सबको मिलाकर अच्छे से मिक्स कर लें। और ये स्टफिंग के लिए आलू बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम थर्ड फेज बनाएंगे, जिसमें हम लेंगे 1 कटोरी बेसन, इसमें आप आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच ही मिर्च डालें और इसको मिक्स करके पानी के साथ पतला घोल बना लें। और ये हमारा बेसन का पतला घोल तैयार हो चुका है। अब हम स्टार्ट करेंगे मुगलई पराठा बनाना। देखिए हमारा जो डो है वो अब तक रेडी हो चुका है, हम उसमें से 1 रोटी जितना डो लेंगे और उसको जैसे हम रोटी बेलते हैं वैसे ही बेलेंगे। इतने में हम गैस स्टार्ट कर देंगे ताकि हमारा तवा भी गर्म हो जाए और इसकी आप एक रोटी बेल लेंगे। देखिए ये रोटी बिल चुकी है। अब आप क्या करेंगे, इसके ऊपर आलू पूरे पर फैला देंगे। आलू का पराठा बनाते हुए हम बीच में फैलाते हैं, बट हम इसमें पूरे पर आलू की लेयर बिछा देंगे। अब आप तवे पर थोड़ा सा ऑयल डालें और मैदे वाली जो लेयर है उसको नीचे की तरफ रखते हुए इसे उस पर डाल दें।
अब इस सारे के ऊपर आप बेसन की एक लेयर बनाएं। इस बेसन की लेयर पे हल्का सा ऑयल डाल दें ताकि ये चिपके नहीं। जब नीचे वाली लेयर पक जाए तो आप इसे उल्टा दें। देखिए नीचे की लेयर पक चुकी है। अब इसे दोनों साइड से पकने दें। साइडों पर थोड़ा सा ऑयल डालें। थोड़ी देर पकाने के बाद जब लगता है कि बेसन पक चुका है आप इसे गैस से नीचे उतार दें और गैस को बंद कर दें। अब आप इसे बीच में से 4 पीसेस में कट कर लें। और इसे 4 पीसेस में कट होने के बाद आप इसे किसी प्लेट में डाल सकते हैं। अब इसके ऊपर आप थोड़ी थोड़ी सॉस लगाइए क्योंकि जब बेसन के ऊपर सॉस लगती है तो बहुत टेस्टी लगता है। इस पर थोड़ा सा कटा हुआ प्याज डालें। और थोड़ा सा कटा हुआ टमाटर रखें। तो ये आपका मुगलई पराठा बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये बहुत टेस्टी लगता है। मेरा तो ये फेवरेट है। बनाइए, खाइए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपका मुगलई पराठा कैसा बना। थैंक यू।